ऑन द वे वीआईपी लेट ही आता है नहीं भूलना चाहिए. काफ़ी एक्साइटमेंट है. सो ये पहले मतलब ये पहले इनका दूसरा साल है, इनका पहला साल है, मेरा पहला साल है, तो हम दोनों को आइडिया नहीं है कि अंदर क्या होने वाला है. मैं भी देखना चाहती हूँ हम किस किस कैटेगरी में नॉमिनेटेड हैं. और आई एम श्योर काफ़ी मज़ा आएगा, अंदर सारे लोग होंगे, पूरा जी कुटुंब होगा. सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट एवरीबॉडी. सो ऑनेस्टली फॉर मी अगर मुझे अवार्ड मिलेगा या मिलता है तो मैं बहुत बहुत खुश होंगी, नो डाउट. पर अगर मुझे नहीं भी मिलता तो मैं डिसहार्टन नहीं होती, बिकॉज मेरे जो फैंस हैं, जो लोग मुझसे प्यार करते हैं, वो लोग मुझसे प्यार करते हैं चाहे मुझे अवार्ड मिले या ना मिले. और आई हैव प्रूव माई सेल्फ, पीपल हैव रियली चेंज देयर व्यू. जो वो मेरे बारे में सोचते हैं वो मेरे बारे में बेटर ही सोचते हैं. मुझे हमेशा मेरी परफॉर्मेंस के लिए अप्रिसिएशन मिलता है, तो अगर मैं वो ठीक कर रही हूँ, सो अवार्ड रियली इट डजंट मैटर कि मुझे मिल रहा है या नहीं मिल रहा. Cool with both the things. Yeah, same. I think award, obviously award जब मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है, दिल को सुकून मिलता है कि हमने जो मेहनत की है उसका लोग appreciate कर रहे हैं और उसका उसके लिए award मिल रहा है. But again, जैसा आशी ने कहा कि अगर नहीं भी मिलता है तो जो audience का प्यार जो हमको मिलता है वही हमारे लिए awards है. तो I think, yeah, तो हम खुश हैं मिले ना मिले. Like yeah, almost दोनों ने बातें कह दी हैं. बस स्टिल मैं ये कहूँगी अवार्ड बहुत मैटर करता है, क्योंकि वो एक ऑफ कोर्स वो एक अप्लॉज है आपके लिए, आपकी परफॉर्मेंस के लिए. बट अगर नहीं भी मिलता है वी आर स्टिल ओके विद दैट. मेन मैटर क्या करता है, लोगों को आपकी परफॉर्मेंस पसंद आ रही है और लोग आप अच्छा काम कर रहे हैं, लोग आपको पसंद कर रहे हैं, वो ज़्यादा मैटर करता है. फ़िलहाल तो बिफ़ोर मैरिज जो मीत थी वो काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें करती थी जो जिससे लोगों की सोच बदले, ऑफकोर्स, क्योंकि वो खुद ही एक ऐसा कैरेक्टर थी जो अपने घर के भी काम, सारे अपने घर के काम खुद ही करती थी. जो लड़के वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो पूरा समाज बोलता है वो उसने अकेले ली हुई थी. और शादी के बाद भी वो उस चीज़ को मेनटेन रखती है कि ससुराल और मायका उसको दोनों कैसे संभालना है एक साथ. तो जनरली शादी के बाद एक्सपेक्ट किया जाता है कि लड़कियों को अब ससुराल संभालना चाहिए और मायके से उसका कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए. बट मीत ने ऐसा नहीं किया, वो अपना मायका अभी भी खुद ही संभालती है. शी नोज़ कि शी वॉज़ द ओनली ब्रेड अर्नर इन द हाउस, और उसके सिवा वो घर में कैसे लड़की दोनों चीज़ें बैलेंस कर सकती है. उसकी खुद की लाइफ में यही स्ट्रगल चल रहा है, क्योंकि काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो मीत के लिए भी नहीं है, वो भी खुद समझ रही है, सीखने की कोशिश कर रही है. बट शी इज़ डूइंग इट, सो इट्स पॉसिबल. सो शी इज़ जस्ट ट्राइंग टू कन्वे दिस राइट नाउ. अभी तक तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, मुझे और शगुन को काफ़ी पसंद किया जा रहा है एक साथ और अप्रिशिएट किया जा रहा है, विच इज़ वेरी गुड. हमें नहीं पता था. अगेन अब जब कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं आपको नहीं पता होता कि वो सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, बस होप करते हैं और हार्डवर्क करते हैं. हमने वो किया और उसके बदले में हमें काफ़ी प्यार मिल रहा है, जिससे हम बहुत बहुत खुश हैं. एंड वी आर रियली रियली थैंकफुल. थैंक यू सो मच गाइज, एंड कीप लविंग. और ऑब्वियसली ये जोड़ी बहुत हिट है, इन दोनों को देख के अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की याद आती है. सो या ट्रू, हाय डेनियल लुक, अगर आप देखो तो एग्जैक्टली वैसा ही है. हाँ, हमारा बॉन्डिंग ऑफ स्क्रीन, या दिस इज आवर बॉन्ड ऑफ स्क्रीन. एक्चुअली हम सबका पूरे शो में, पूरी कास्ट का, सो हमारा शूट भी बहुत बार एक साथ नहीं होता, बिकॉज मोस्टली ये दोनों अलग शूट कर रहे होते हैं, हम अलग शूट कर रहे होते हैं. बट जैसे ही हमें टाइम मिलता है, वो 10 मिनट भी होते हैं ना, हम लोग एकजुट, हमसे लोग परेशान हो जाते हैं, डायरेक्शन टीम, आप प्रोडक्शन, प्लीज़ अलग हो जाओ, प्लीज़ काम कर लो, वैसा हो जाता है. बिकॉज चप 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 पूरा टाइम हमारा चालू ही रहता है. सो ऑफ स्क्रीन हम लोगों का बॉन्ड बहुत अच्छा है, वी रियली एंजॉय ईच अदर्स कंपनी. एंड ऑन स्क्रीन तो सब जानते हैं कि मानुषी एंड मीत का क्या बॉन्ड है. मानुषी जस्ट कांट स्टैंड मीत, ऑफकोर्स आई एम प्लेइंग नेगेटिव कैरेक्टर. एंड यस, ये मेरे भाई जैसी बहन है. मेरे अकॉर्डिंग शी इज़ अगली, लाइक मानुषी के अकॉर्डिंग शी इज़ अगली, बट शैरन के अकॉर्डिंग शी इज़ एडोरेबल एंड आई लव हर. या थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू.
आज की शाम को लेके मैं कुछ ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज आई एम एंकरिंग द इवेंट. तो बहुत ही नर्वस हूँ मैं बिकॉज स्टेज फ्राइट है. और पिछली बार नॉमिनेशन पार्टी मेरी माँ सरला माँ ने एंकर किया था, होस्ट किया था. तो इस बार मैं हूँ तो आई एम वेरी वेरी नर्वस. और अभी तो सब लोग आना शुरू हुए हैं और हमारी बैक स्टेज की तैयारी अभी से चालू है. सो या आई एम वेरी एक्साइटेड. जी मैंने किसी से कुछ टिप नहीं ली है बिकॉज हम तीन दिन से स्क्रिप्ट रीडिंग कर रहे थे एंड देन आई मेट माई को एंकर गुंजन उत्रेजा. उन्होंने भी मुझे कुछ बोला कि देखो हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे. सो आई एम जस्ट एब्जॉर्बिंग ऑल द थिंग्स एंड आई जस्ट होप दैट आई डोंट एफ इट अप ऑन द स्टेज. शो तो ऑफकोर्स नॉमिनेटेड होगा बट आई डोंट नो इफ आई एम नॉमिनेटेड और नॉट. पिछले साल बेस्ट बहन का अवार्ड मिला था बट अभी पता नहीं इस बार बेस्ट बहन का अवार्ड किसे मिलेगा. सो आई होप जिसे भी मिलेगा आई एम श्योर शी विल बी अ डिजर्विंग वन. सो या कुंडली भाग्य एज यूजुअल ये लोग बड़े लेट एंट्री मारते हैं तो आई बिलीव उनको थोड़ा वक्त है आने के लिए बट मैं ऑलरेडी बैक स्टेज हूँ. सो आई एम वेटिंग फॉर देम टू कम क्योंकि सब आएंगे तभी जाके हमारा शो स्टार्ट होगा. सो या वेटिंग फॉर देम. आज तो बस मैं एंकर कर रही हूँ. बाकी आई डोंट नो ज़िरिश्ते में इफ आई गेट अ चांस टू परफॉर्म और नॉट. फिंगर क्रॉस. थैंक यू शिल्पा एंड द टीम ऑफ जी टी वी हैज़ डिसाइडेड टू make me a pink Barbie doll today. So I am one today, tonight, sorry. So yes, I'm wearing a skirt and I've teamed up with a kya kehte blouse and a blazer and it's all Indo-Western look. So mujhe bahut acha laga. Maine jhumkiya pehni hai aur baal tong karwaye hain maine and I've worn lenses and stuff. So yeah, pink is my favorite color and I'm all pink today. थैंक यू. फैंस के लिए ये मैसेज है कि ज़िरिश्ते अवार्ड्स का तो सबको इंतज़ार होता है बट जी नॉमिनेशन पार्टी की जो सेलिब्रेशन है ये आप देखना ना भूलिएगा बिकॉज यहाँ पर बहुत कुछ चीज़ें पता चलने वाली है कि कौन कौन नॉमिनेटेड है और कौन कौन क्या क्या एक्टिविटीज़ करने वाला है ऑन स्टेज. सो स्टे ट्यून फॉर दैट. थैंक यू. थैंक यू. मैं ये कहना चाहती हूँ मैं बहुत बहुत एक्साइटेड हूँ. ये मेरे पहले जी रिश्ते अवार्ड्स हैं एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये देखने के लिए कि कौन कौन नॉमिनेट होता है. एंड मैं जितने मेरे बाकी शोज़ के फ्रेंड्स हैं और आर्टिस्ट हैं उनसे मिलने के लिए भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. एक्चुअली बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है. सब लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं और खूब सारा प्यार दे रहे हैं एंड आई होप कि जितना वो हमें अभी प्यार दे रहे हैं उससे और भी ज़्यादा प्यार हमें अपकमिंग एपिसोड्स में दें. एक्चुअली इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है. ये बहुत ही हमारे एक्सपीरियंस लोग रहते हैं चैनल की टीम से प्रोडक्शन हाउस की टीम से जो हमारा आउटफिट डिसाइड करते हैं और इनफैक्ट मुझे कलर बहुत सुंदर लगता है तो उनका ही ये पूरा क्रिएटिविटी है और ये पूरा डिज़ाइन है. तो अगर मैं अच्छी लग रही हूँ सो ऑल द क्रेडिट गोज टू दोज क्रिएटिव पीपल. यस कि आप हमें बहुत सारा प्यार करते हैं और मैं बहुत खुश हूँ आपका रिस्पॉन्स देख के. आप ऐसे ही अगर तुम ना होते देखते रहिए हमें ढेर सारा प्यार देते रहिए और अभी आगे बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं. और मैं तो ये कहूँगी कि सिर्फ हमारा शो ही नहीं जी के बिकॉज जी इज़ अ फैमिली और जी के और भी जितने भी सारे शोज़ हैं आप सारे शोज़ देखिए क्योंकि सब शोज़ बहुत ही बढ़िया हैं.
Thank you. Thanks. She's playing my. Yeah. Hi. Hi. Oh, one minute, let me remove my mask. Yeah. Yes, here comes my. My sir. Sir. Yes. So, you have finished your bites. I have already given my bites. Oh, you've already given. Yeah. So, in fact, हमारे भी recently बहुत ये पहले confrontational scenes हुए. Yes. And very nice they came out finally, I suppose. क्योंकि आई थिंक जो अतीत का राज है कि अभिमन्यु और नियति की शादी बचपन में हो चुकी थी वो मुझे अभी पता चलता है और मुझे सर ही बताते हैं जो मेरे सीरियल में ससुर जी प्ले कर रहे हैं कि मैं उनकी बहू हूँ तो उसका आई थिंक रिस्पांस बहुत ही बढ़िया मिला ऑडियंस से जो इतना बड़ा जो ड्रामा है वेरी बाहर आया है वेरी नाइस एपिसोड आल्सो द एंटायर एपिसोड वाज वेरी नाइस आई थिंक बिकॉज इफ द एक्टर्स जो आपके सामने एक्टर्स हैं अगर सर जैसे एक्टर्स आपके सामने हैं ऑटोमेटिकली No, but I'm being very honest. Automatically, you know, you feel this scene और आप जब सामने वाला आपको इतना help कर रहा होता है, support कर रहा होता है, तो automatically ये scene बहुत अच्छा आता है. लेकिन मैं कुछ कहना चाहूँगा आज के youngsters के बारे में कि they are so young, they are in their early 20s and they perform so well. मुझे याद है जब मैं early 20s में था when I started my career in movies. I don't think हम लोग इतने ज़्यादा टैलेंटेड होते थे या कह सकते हो कि इतने ज़्यादा वेल वर्स्ड होते थे बट टुडेज यंगस्टर्स आर यू दे आर वेल प्रिपेयर्ड इन एवरी डिपार्टमेंट दे परफॉर्म सो वेल और देयर इज लॉट टू लर्न फ्रॉम देम इन फैक्ट थैंक यू का मतलब होता है ना लेट्स वी कैन गो ओके बाय बाय एक्सलर भी निकालना उसके बैग से क्या टेम्परेचर मिल रहा है ऑक्सीजन मिल रहा है कौन एक्सपेक्टेशन ये है कि मेरे बेटे मीत को अवार्ड मिलेगा हमारी टीम को अवार्ड मिलेगा चारों नॉमिनेशन अवार्ड लेकर जाए हमारे शो का अवार्ड मिलेगा दिस इज द हाईएस्ट एक्सपेक्टेशन वी आर हैविंग टुडे बट आवर शो इज न्यू एंड वी आर रियली हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ जी टीवी अगेन बहुत अच्छा अवसर है कि हम लोग को एक अच्छा मौका मिला है हम लोग चाहते हैं हमको अवार्ड मिल जाए मिलेगा 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 अवार्ड एक एप्रिसिएशन है इट्स योर हार्ड वर्क इट्स योर हार्ड वर्क इट्स योर हार्ड वर्क उसका ही रिटर्न है ये एंड जिनके लिए हम शो बनाते हैं हमारी ऑडियंस के लिए अगर वहाँ तक हम अपने शो के जरिए अपनी जो हम दर्शाना चाहते हैं अगर हम वो पहुँचा पा रहे हैं तो आई थिंक दिस इज़ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट शो के लिए इफ आर ऑडियंस इज लविंग इट एंड आई थिंक आर ऑडियंस आर लविंग इट व्हाट डू यू हैव टू से अवार्ड हर एक्टर के लिए अच्छा होता है मिले तो बहुत बढ़िया नॉमिनेट होना भी अच्छी बात है क्योंकि कितने सारे कलाकार हैं कितने सारे चैनल्स हैं कितने सारे सीरियल्स बन रहे हैं लेकिन उसमें से अगर आप नोटिस हो रहे हैं लोग आपको चाह रहे हैं और नॉमिनेट करते हैं और बुलाते हैं आई थिंक वो अपने आप में भी एक अवार्ड है और आवा जी क्या बोलना चाहेंगी आवा जी इधर आवा जी आइए आइए निपट लिया सारी बातें मेरी फैमिली ने बोल दी है यही बात मेरी है वाह यही सहमति है दिल से दिल का कनेक्शन अवार्ड मिले तो बहुत अच्छी बात और अगर नॉमिनेशन हो तो भी बहुत अच्छी बात सबसे बड़ी बात है एप्रिसिएशन ये मिल रहा है ये बहुत अच्छा है थैंक यू हमने वादा किया था कि मीत हमारी रीत बदल देगी मुझे लगता है हमने पिछले 6 महीने में साबित कर दिया है कि हमारी मीत ने रीत बदली है जय माता दी जय माता दी बदलती रहेगी कीप वॉचिंग थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू हो गया ना ऐसे रहना
What are you, sorry? बहुत कुछ है आज की शाम में, बहुत धूम मचाने वाले हैं सारे लोग. और जी रिश्ते अवार्ड्स जैसे हमेशा अपनी एक नई पहचान लेकर आता है, वैसे भी आज एक कमाल होने वाला है, धमाल होने वाला है. एक त्यौहार का सीज़न तो वही होगा. सो ये कहा जाता है कि वी आर जस्ट हैविंग अ बेबी स्टेप्स एंड वेटिंग फॉर our nomination upcoming awards which will be soon coming next year. Yeah, just newborn babies, just so baby step on air just couple of weeks ago. Yeah, so all the other shows ke liye itna kehna chahunga ki the competition is going to be on and it's going to be really very competitive and really going to be very strong from all of us. So that's what we are looking for, and all the very best to all the other shows who are getting nominated. Yes. बेस्ट जोड़ी मैं, यस, संजय और परागी बेस्ट जोड़ी के लिए नॉमिनेटेड हैं. एंड अच्छा फील हो रहा है, अमेजिंग. देखिए शो में बहुत कुछ अभी हो रहा है, और जैसे हम लोगों ने स्टार्ट किया है, एक ऐसी लड़की की कहानी है जो सपने देखती है, एक ऐसी लड़की है जो सपने पूरे करना जानती है लेकिन उसके पास रिसोर्सेस नहीं है. तो उन रिसोर्सेस को देने के लिए एक लड़का है संजय जो मैं प्ले कर रहा हूँ, और वो आगे आता है. और कहीं ना कहीं सामाजिक सोच के ऊपर ये शो है कि लड़की हो अगर लड़के से एक कदम आगे तो क्या टूट जाते हैं रिश्तों के धागे. थैंक यू सो मच. हेलो एवरीवन, हेलो हेलो सबको, गुड इवनिंग. हाँ मतलब सबको आते हैं. गुड गुड, हेलो. क्या एक्सपेक्ट करेंगे? जी रिश्ते अवार्ड से रिश्ता दृढ़ हो जाए, यही मराठा साम्राज्य के लिए बेहतर होगा. आशा करती हूँ कि ये शाम तो अच्छी जाने ही वाली है. मुझे लगता है कि कुछ बॉन्डिंग्स होते हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, और ऐसे मौके में हम लोग साथ मिल के आते हैं तो ये बॉन्डिंग्स थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाए. बस जी जी से रिश्ता मजबूत हो, हम ये शाम वो देख रहे हैं, दैट्स इट. ये हमारे लिए सरप्राइज होगा शायद, हमें भी नहीं पता. नॉमिनेशन पता चलेंगे, एक्सपेक्टेशन है, देखते हैं. लेट अस कीप द होप्स हाई. शो के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारा बहुत ही प्यारा शो है,
प्लीज़ ये ऑडियंस के लिए शायद, तो ऑडियंस से कहूँगी कि प्लीज़ काशीबाई बाजीराव बल्लाड़ को प्यार दीजिए, आपके प्यार की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, एंड इट्स अ वंडरफुल शो, प्लीज़ ऑल ऑफ यू वॉच. थैंक यू. ओके, थैंक यू. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. आज नॉमिनेशन का दिन है एंड वी आर ऑल लुकिंग फॉरवर्ड के हर एक्टर चाहेगा कि उसका नाम नॉमिनेशन में हो. हम लोगों का सीरियल अगर तुम ना होते अभी कुछ दिनों पहले ही जी टी वी पर लॉन्च हुआ है, 10:30 टाइम है उसका. तो आई डोंट नो कि वी आर कीपिंग अवर फिंगर्स क्रॉस्ड, थिंग्स आर गोइंग फाइन. तो वी आर जस्ट एक्सपेक्टिंग एंड होपिंग एंड प्रेइंग दैट not only we win the nomination but also the award finally. सबसे पहले तो मैं अपना रिश्ता जी के साथ क्या है इसके बारे में बताना चाहूँगा. फॉर्चुनेटली एंड लकीली एंड कोइंसिडेंटली मे बी मेरे लास्ट तीन शोज़ जो मैंने किए इंक्लूडिंग अगर तुम ना होते, देवर ऑल टेलीकास्ट ऑन जी, देवर ऑल जी शोज़. आई स्टार्टेड विद डोली अरमानो की फॉर जी, देन आई डिड पिया अलबेला, दैट वाज प्रोड्यूस्ड बाय राशि रेड प्रोडक्शंस, दैट वाज आल्सो फॉर जी, एंड नाउ आई एम डूइंग दिस अगर तुम ना होते, इवन दैट इज़ फॉर जी. सो आई थिंक कुछ अटूट रिश्ता है जी का और मेरा, कि कुछ ऐसा होता है कि फाइनली जब मेरा एक शो एक्सेप्ट करने का मौका आता है तो वो जी का ही होता है. सो आई मीन आई एम वेरी चूजी अबाउट माई शोज़. मैं एक टाइम पर एक ही करता हूँ और बहुत ज़्यादा शोज़ एक साथ साइन नहीं करता हूँ, एक ही करता हूँ, और बीच में जब शो ख़त्म होता है तो उसके बाद एक सेबेटिकल लेता हूँ. तो आई एम ग्लैड दैट माई एसोसिएशन विद जी हैज़ प्रूव टू बी लकी फॉर मी. And I wish to continue my association with Z. थोड़ा सा लेफ्ट. यहाँ पे दो सेकंड रुक जाएंगे, यहाँ पे दो सेकंड रुक जाएंगे, no problem. हो गया planning? No. अपने पास. Will you tell me to play? जी रिश्ते अवार्ड्स ये बहुत ही ख़ास प्रोग्राम है, अनुष्ठान है, और हम मेरे लिए तो ख़ास तौर से बहुत ख़ास है क्योंकि जी हमेशा से एक होम टर्फ रहा है मेरे लिए, और मेरे कुछ जो भी चुनिंदा एकदम टॉप ऑफ द शोज़ रहे हैं वो जी के साथ ही रहे हैं. तो एक बार फिर से जी अवार्ड्स में आने का जब मौका प्राप्त हुआ तो बहुत ही खुशी हुई, और आई एम श्योर मेरे जो साथी कलाकार हैं टैलेंटेड आशीष और सुपर टैलेंटेड श्वेता, इनको भी उतना ही मज़ा आ रहा होगा कि जितना मुझे आ रहा है, राइट? हाँ, एक्चुअली मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि मेरी तो पैदाइश ही जी से हुई है. हाँ, कौन? तो मेरी तो पैदाइश ही यहाँ से हुई है. देयर वाज अ शो कॉल्ड स्वैम्बर 2000 और मुझे वहाँ से ढूंढा गया था, तब से लेके आज तक जी के साथ मेरा रिश्ता बरकरार है. और जी के साथ हाय आशीष, मेरा फर्स्ट इवेंट है और मेरा सेकंड शो है, जी के साथ पहला है. तो आई एम रियली हैप्पी आफ्टर दिस पैंडमिक, वी आर डूइंग सम इवेंट. यस यस, सो वी आर रियली हैप्पी एंड इट्स अ ग्रेट टीम टू. हां, इट्स वंडरफुल, इट्स फेनोमिनल एक्चुअली, बिकॉज हमारी कहानी जो है ना वो एक तथाकथित रोमांटिक कहानी नहीं है, एक थ्रिलर भी नहीं है, लेकिन सब कुछ है. तो उस फैक्ट को मद्देनजर रखते हुए जब इस किस्म का शो और वो भी रात के 10 बजे के स्लॉट में आता है, और आप सब टीआरपीज जानते हैं कि क्या चल रहा है, सो आई एम श्योर पता चल गया होगा कि कितना प्यार हमें मिल रहा है फैन से, और कहानी बहुत अच्छी तरह आगे बढ़ रही है, और हम तो यही चाहते हैं कि चले 2-3 साल और चले आराम से. एंड आई थिंक द होल फैमिली दैट वी हैव इन द शो इज अ वेरी गुड लुकिंग रॉयल फैमिली. नो, एक्चुअली आई लव द कंट्रास्ट बिटवीन देवराज सर की फैमिली और हमारी फैमिली. हमारी फैमिली बहुत प्यारी सिंपल है, उनकी फैमिली थोड़ी रॉयल है.
तो एक शो में अच्छा लगता है कि आपको दोनों शेड देखने को मिलता है. Most welcome. Most welcome. Have a great evening. Thank you. मैं तो स्पीचलेस हो गया हूँ बिकॉज जी रिश्ता अवार्ड्स पहली बार अटेंड कर रहा हूँ मैं. सो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू आंसर दिस क्वेश्चन. काफ़ी नर्वस भी हुआ एंड एक्साइटेड भी हुआ एट द सेम टाइम. मुझे कुछ नहीं पता क्या होने वाला है. मैं जैसे अंदर जाके एंजॉय करने वाला हूँ, मुझे सिर्फ यही पता है. सो लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट. आई एम श्योर नॉमिनेटेड है, बेस्ट जोड़ी के लिए होगा. एंड जरूर होगा. सो वी आर एक्साइटेड एंड नर्वस. एंड अभी प्लान हम लोग सब डिस्कस करके आ रहे थे कि हमें बस कुछ नहीं देखना, हमें बस चिल करना है. चिल करना है, एक्चुअली चिल करना है. चिल करना है. नॉमिनेशंस की टेंशन हम नेक्स्ट ईयर करेंगे. आज इस साल एंजॉय कर लेते हैं. इस बार एंजॉय कर लेते हैं. Because it was difficult to manage कि हम लोग कोलकाता में शूट करते हैं और यहाँ पर आ रहे हैं. बट somehow our production supported us and हम लोगों ने टाइम निकाला. और ऑफकोर्स हम लोग मिस नहीं कर सकते थे. टाइम निकालना ही था बिकॉज यू नो हम इतने एक्साइटेड हैं एंड नर्वस हैं. बट चाहे यू नो काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल में काम किया हमने, बट हमें हमारे दिमाग में यही था कि शेड्यूल में काम करना है एंड द नेक्स्ट दिन अर्ली फ्लाइट पकड़ के यहाँ पे आना है एंड अटेंड करना है. सो या काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल था, बट क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है या ये फर्स्ट ईयर है एंड आई थिंक तुम्हारा दिस इज माय सेकंड एक्चुअली. सो या तो मेरा पहला है, सो आना ही था यहाँ पे. सो माय लुक इज, मेरे शो में मेरा लुक यही है बिकॉज बीइंग अ बंगाली गर्ल, बीइंग अ बंगाली बहू. सो या ऑफ कोर्स दिस इज माय लुक एंड आई हैड टू कैरी दैट ओनली. सो या सिमिलरली अर्जुन के कैरेक्टर के साथ ये लुक काफ़ी जाता है. सो सेमी फॉर्मल लुक है ये. आई होप सबको पसंद आया. मैं तो काफ़ी कंफर्टेबल हूँ एंड मैं वही प्रेफर करता हूँ जिससे स्टाइल भी अच्छा लगे एंड कंफर्टेबल भी फील करें. सो उस हिसाब से या ये मेरा कॉस्ट्यूम है. लाइक लुक ऑफ द डे. फैंस को हम यही कहना चाहेंगे कि आपने इतना सपोर्ट किया है, इतना प्यार किया है हमें एंड प्लीज कीप सपोर्टिंग अस. हमें आर्या बनाया एंड आर्या बनाया हमें. हम काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और इतनी मेहनत से हम आगे भी काम करेंगे और आप सबको एंटरटेन करेंगे. आप सब प्लीज ऐसे सपोर्ट करना हमें एंड रिश्तों का मांझा देखते रहना. थैंक यू सो मच. थैंक यू. रियली रियली थ्रिल्ड बिकॉज नॉमिनेशन का जो पूरा इवेंट होता है दैट्स लाइक ओपनिंग सीक्रेट कि किस कौन नॉमिनेटेड है, किसको अवार्ड मिलेंगे एंड इट्स रियल फन. यू नो इट्स लाइक अ काउंट डाउन. तो हम सब पूरी कास्ट हमारी जो है तेरे बिना जिया जाए ना कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है. सब लोग आ रहे हैं मेरे पीछे पीछे और हर किसी को यही लग रहा है कि किसको अवार्ड मिलेगा. एंड मैंने हमेशा से देखा है कि अवार्ड फंक्शंस में जितने भी नॉमिनेशंस होते हैं, जितने भी अवार्डीज को अवार्ड्स मिलते हैं, वो सारी एक हेल्दी कंपटीशन होती है एंड द पर्पस इज़ बेसिकली टू यू नो एक्नॉलेज द एफर्ट्स बीइंग पुट इन बाय द एक्टर्स. तो इतना ब्यूटीफुल तरीका होता है ये अवार्ड्स देने का. मुझे तो बहुत हमेशा पसंद आता है अवार्ड फंक्शंस में जाना. वहाँ पर जो नॉमिनेशंस जब ओपन होते हैं तब जो एक दिल की धड़कन बढ़ती है, जो एक्साइटमेंट होती है, नथिंग कैन बी कंपेयर टू दैट यू नो. सो आई होप इस बार भी हमारी जो कास्ट है उसमें से कई सारे लोगों को ज़रूर डेफिनेटली अवार्ड्स मिलेंगे. शो भी अच्छा जा रहा है. TRPs अभी 1 एंड मे बी अबाव अभी थोड़े थोड़े जा रही है. सो इट्स अ वेरी गुड ऑप्टिमिस्टिक नोट दैट वी आर हियर इन. इट्स अ न्यू शो ऑल्दो, बट ऑलरेडी ऑडियंस का जो रिस्पॉन्स मिल रहा है वो बहुत 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 अच्छा मिल रहा है. जहाँ भी अभी मैं जा रही हूँ मीनाक्षी के नाम से मुझे पहचान रहे, लोगों को पसंद भी आ रहा है मेरा किरदार बिकॉज शो का पूरा माहौल थोड़ा सीरियस है और यही एक कैरेक्टर है जो उठ के दिखता है क्योंकि एक लाइट कॉमेडी उसमें एक यू नो देयर इज अ सिल्वर लाइनिंग.
to this particular whole thing, you know. It's light comedy and people are really enjoying whenever they see me on the screen. They just love it, you know. They are also reminding me of one of my characters which I had played long ago, which was a comedy character called Manorama in Is Pyar Ko Kya Naam Do. So once again, I'm with little bit of same kind of a flavor. It's a comedy with probably eventually, I don't know how it will shape up because it's a murder mystery at the end of it. And there's a very big hook ki bhai kya hua hai is ghar mein, kya hua hai. So I'm sure it's going to be fun. So it's a request to my audience also to keep watching the show. Thank you again, ZTV, Dome of Entertainment. Thanks a lot. We are actually very excited because हम नए सदस्य के लिए nominated हैं. So yes, we are excited. Obviously now we are a part of Z Kutumb. So सबसे पहली बार मिलना होगा पूरे Z Kutumb के साथ. Yes, excitement तो है. Too much excitement. Response फिलहाल अब तक बहुत अच्छा है. So far सबके बहुत positive views हैं. शो अच्छा जा रहा है, लोगों को कैरेक्टर्स बहुत पसंद आ रहे हैं, लोगों को जोड़ी बहुत पसंद आ रही है, जोड़ी बहुत पसंद आ रहे हैं, लोगों को गुलशन तो बहुत पसंद आ रहा है, सबको सब बहुत पसंद आ रहे हैं. ये दो लोग जो मुझे परेशान करने वाले हैं वो भी पसंद आ रहे हैं. तो सो फार अब तक का जो भी रिव्यू है ऑडियंस का वो बहुत अच्छा है. सो वी आर ग्लैड. मुझे सब लोग बहुत ज़्यादा हेट कॉमेंट्स दे रहे हैं. सो आई थिंक दैट इज माई यू नो गेन. That means that I have justified the character. Goes for two of them. Goes for two of them. जो आपको सारे लोग दिल बना के देते हैं उसका. हाँ, वो it's more important. यही बस, यही नहीं पूछना था. But बहुत मुश्किल से मैनेज किया. हमारी नाइट शिफ्ट थी, हम सुबह शूट करके फिर यहाँ पर आए. But I think पूरा स्ट्रेस आउट निकल जाने वाला है अंदर जाके. So I'm excited. मैसेज फॉर सारे एक साथ बोलते हैं सब. देखिए इस मोड से जाते हैं. हाँ, प्लीज वॉच इस मोड से जाते हैं. मंडे टू सैटरडे 6:30 PM ओनली ऑन ZTV. थैंक यू. थैंक यू. वेरी एक्साइटेड बिकॉज पिछले 3-4 साल से मैं खुद ही प्रेजेंट कर रही थी नॉमिनेशन पार्टी. तो आज बहुत अच्छा लगेगा, आराम से बैठकर देखूंगी सामने और देखते कितना मज़ा आएगा. मुझे सुनाई पड़ा है कि मेरी ही कोई एक बेटी शायद उसे प्रेजेंट कर रही है, तो देखते हैं कितना मज़ा आता है जब बेटी माँ को ग्रिल करेगी. तो मुझे एक्चुअली कुछ पता नहीं है. हमने तो अभी ZRA का एंथम और प्रोमो शूट किया है और नॉमिनेशन में कौन कौन है वो आज ही खुलासा होने वाला है. अपने परिवार से बहुत लोग होंगे और मिलेगा भी तो अपने परिवार में किसी को मिल जाएगा तो बहुत अच्छा लगेगा. वैसे भी ये लार्जर कंटेंट में कुटुंब ही है, जिसको भी मिले अच्छी बात है. इट शुड बी लाइक हैप्पी और जो नहीं मिला उसको अगले साल मिल जाएगा. सो आई थिंक आई एम हैप्पी फॉर दैट. बहुत इम्पॉर्टेंट है. ऑलमोस्ट 8 साल होने वाले हैं जी के साथ जुड़े हुए और कुमकुम से लेकर कुंडली तक ये सफ़र काफ़ी लंबा और काफ़ी खुशनुमा है. 2000 एपिसोड भी पूरे किए हैं इस बार कुमकुम ने, विच इज़ सच अ बिग अचीवमेंट फॉर बालाजी टेलीफिल्म्स एंड जी ऑल्सो. मुझे लगता है इससे पहले किसी ने
2000 एपिसोड नहीं कवर किए और वो भी 4 साल पूरे TRP चार्ट्स को रूल करने के बाद, तो बहुत खुश हूँ और मैं भी उसका एक छोटा सा हिस्सा हूँ, इसलिए अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ। थैंक यू सो मच। ये कॉस्ट्यूम मेरा सैकुरीना जो मेरी स्टाइलिस्ट है शो पे कुंडली के, उसने बनाई है। आई वॉन्टेड टू कीप इट वेरी सिंपल क्योंकि नॉर्मली जब मैं स्टेज पर होती हूँ तो थोड़ा ग्लिटर और थोड़ा वो स्पार्कलिंग लगना चाहिए, तो आई हैव केप्ट इट सटल एंड नाइस जस्ट लाइक सरला, सिंपल नाइस बट बोल्ड, सो डार्क कलर। यही कहना चाहूँगी कि थैंक यू वेरी मच, आप सब लोग इतना प्यार देते हैं, इतना सराहते हैं और आपके प्यार के बिना हम लोग कुछ भी नहीं, तो सब कुछ आपका ही है, आपके प्यार से आज हम हैं, आपके प्यार से ही ये शाम है, आपके प्यार से ही सब कुछ है, अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। यार मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, आज नॉमिनेशंस होने वाले हैं और मुझे लग रहा है कि शायद मुझे भी नॉमिनेट किया है। फिलहाल अभी तो मेरे शो को स्टार्ट हुए 1 महीना हुआ है, बट लेट्स सी क्या होता है। तो सबको ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगा, जो भी मेरे जितने भी दोस्त हैं जो जी के बहुत सारे शोज़ कर रहे हैं अलग अलग, तो उन सबको भी मैं ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा और बहुत सारा फ़न करेंगे, मस्ती करेंगे आज। यार मैं सच बताऊँ ना तो मैं ना अपने काम को ही अपना अवार्ड मानता हूँ और जो भी मैं काम करता हूँ पूरी शिद्दत के साथ करता हूँ, बाकी ये सब उन पर डिपेंड करता है वो किसको देते हैं, बट मैं अपना जो भी काम करता हूँ मैं बहुत खुश रहता हूँ और पूरी शिद्दत से करता हूँ, तो वो मेरे लिए पहला अवार्ड होता है। रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिल रहा है, इवन जो एपिसोड्स भी हैं उसमें हमें ड्रामा डालने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि अभिमन्यु खुद अपने आप में ड्रामा है। मतलब एक ऐसा लड़का जिसे ये इतने सारे मल्टीपल डिसऑर्डर बोल सकते हो आप, मेंटल हेल्थ उसकी ठीक नहीं है, कोई भी एक्सट्रीम इमोशन कैसे भी एक्सट्रीम इमोशन में उसे लूप हो जाता है, लूप में चला जाता है वो, जो कुछ भी करता है उसके बाद में जब वो नॉर्मल होता है उस सिचुएशन से बाहर आता है तो वो सब कुछ भूल जाता है कि उसने क्या किया था। अभी उसने हीरोइन को मारने की कोशिश की हल्दी वाले संगीत में, तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं, तो मतलब कैरेक्टर ही अपने आप में एक ड्रामा है। तो हाँ, क्या पर्सनली पूछा जाए तो जिस तरीके के मैंने शोज़ किए, जी के लिए मैंने नीली छतरी वाले किया था, उसमें मैं मॉडर्न शिवाय था, गौतम बुद्ध का कैरेक्टर मैंने प्ले किया था। जब अभिमन्यु आया तो बिल्कुल डिफरेंट था, मेरी पर्सनल जो मेरी खुद की रियल पर्सनैलिटी है उससे बिल्कुल डिफरेंट था, तो थोड़ा सा स्ट्रेसफुल था, बट हम एज एन एक्टर ऑब्जर्वेशन पर ज़्यादा बिलीव करते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किसी ना किसी एक्टर से, किसी एनिमल से, जैसे मैंने कुछ कुछ चीज़ें कोबरा से, सांप से भी ली थी इसके अंदर कि वो कैसे एकदम से घूमता है कैसे, तो मतलब कहीं ना कहीं से करके हम एक कैरेक्टर को बिल्ड करते हैं और फाइनली मैंने अभिमन्यु को इस तरीके से बिल्ड किया। फैंस को मैं ये कहना चाहूँगा कि आप हमें जो प्यार दे रहे हैं वो देते रहिए, और बेसिकली अवार्ड शो होता है जो आप हमें इतना सारा प्यार देते हैं तो हम उसके बदले में आपको थैंक यू बोलें, और जो आपने हमें सपोर्ट किया होता है उसके लिए हमें नॉमिनेट किया जाता है और उसके लिए अवार्ड दिया जाता है, तो थैंक यू सो मच और मैं दिल से शुक्रिया अदा करूँगा आप सबका, ऐसे ही प्यार करते रहें, ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहें, थैंक यू। आप पूछ रहे हो गुरुदास, यार सुपर हैप्पी टू बी हियर, सुपर एक्साइटेड, नॉमिनेशंस पार्टी, लॉट ऑफ नॉमिनेशंस हैपनिंग, सो
मैटर करते हैं यार ऑब्वियसली यार इट्स लाइक अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन इट्स लाइक टोकन ऑफ लव फ्रॉम द ऑडियंस सो डेफिनेटली इट मैटर्स अ लॉट एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू विनिंग दिस ईयर टू I'm still waiting for them to celebrate this party today and Kundli is such a blessed show. We've been on the top of the TRP chart since last 5 years and super excited and super happy and always feel blessed ki audience ka itna pyar mila, itna audience ne saraha. Koshish yehi rehti hai ki hamesha unhein entertain karte rahe. Thank you. Just going with the vibe of the party. Thank you. No? आज के शाम के लिए हम सब बहुत एक्साइटेड हैं इन दोनों के लिए पहला अवार्ड फंक्शन है इसमें ये लोग आए हैं और ऑफकोर्स नॉमिनेशंस का दिन है और ठीक है हमारा शो नया है बट वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर द डे एंड वेरी एक्साइटेड फॉर द इवेंट ऑल्सो जी दिस डे अवार्ड्स देखते हैं हमारे लिए क्या लेके आता है इस दिसंबर पर और बस हमारी काशी भाई और बाजीराव है यहाँ पे क्या बोलना चाहेंगे आप हम भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है आज फर्स्ट टाइम है कि हम लोग जी रिश्ते अवार्ड्स पे आ रहे हैं और हमारा नया नया शो स्टार्ट हुआ है फिर भी वी आर होपिंग फॉर बेस्ट और आप बताओ मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ और हम बहुत इंजॉय करने वाले हैं और आज हम लोग जी रिश्ते अवार्ड्स में फर्स्ट टाइम आए हैं तो बहुत अच्छा रहेगा ये मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ देखिए हमारा शो बहुत ही अलग है एक दूसरे एरा का शो है और अभी तक जहाँ तक हम लोगों को जिस तरह से रिव्यूज़ मिले हैं बहुत ही ब्यूटीफुली हमने बहुत मेहनत करके बना रहे हैं ये शो और सब तीनों ये दोनों बच्चे और जितने भी बच्चे शोज़ में जितने बड़े बहुत ही जी जान लगा के काम कर रहे हैं बहुत ही अगर आपने देखा होगा कि अब तक शो बहुत ही क्रिस्प रहा है और बहुत ही खूबसूरत रहा है और बस हम यही चाहते हैं कि दर्शकों से भी उतना ही प्यार मिले और दो चार अवार्ड्स तो आ ही जाए हमें लकली प्रोडक्शन ने छुट्टी दे दी हम सबको आज जी रिश्ते हैं तो ऑफकोर्स हमें बहुत हेक्टिक रहता है हमारा शो सुबह 8 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक हम शूट करते रहते हैं क्योंकि हिस्ट्री है बहुत ही ग्रैंड है तो टाइम बहुत कम मिलता है लेकिन फिर भी आज हमें छुट्टी मिली इस शो के लिए इस इवेंट के लिए तो हम आज यहाँ पे हैं मेरे लुक के बारे में मैं बताता हूँ तो यही हम दोनों लुक मैं बाजीराव प्ले कर रहा हूँ ये काशी भाई प्ले कर रहे हैं और हम यही लुक कैरी करते हैं शो में भी और आज फर्स्ट जी रिश्ते अवार्ड मतलब फर्स्ट टाइम हम लोग आए तो हमने सोचा कि यही लुक में आज आते हैं यहाँ तो प्रॉपर मराठी आउटफिट फेटे से लेके मोजड़ी तक अंगरखा ज्वेलरी सब कुछ हमने मराठी स्टाइल में किया है जैसे हम शो में करते हैं ऑफकोर्स ये सब साड़ी ज्वेलरीज और ये खोपा है वो मीन्स बहुत हैवी होता है लेकिन उस पर इतना अच्छा लगता है मुझे मैं जनरली शो में इस लुक में रहती हूँ इसको लोग देख के छोटी शिवबाई कहते हैं मैं पूरा इसके लुक में रहती हूँ आज शो था इवेंट था तो मैंने लिबर्टी ले ली थोड़ा सा अपने आप को चेंज करने की लेकिन एग्जैक्टली यही मेरा लुक रहता है शो में और नवारी साड़ी ये खोपा और ऑथेंटिक प्रॉपर ज्वेलरी मराठा साम्राज्य के टाइम की सो यस प्लीज़ हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं हम सब मेहनत कर रहे हैं हमारी टीम बहुत मेहनत कर रही है और बहुत बड़ा शो है ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से मनाया जा रहा है बस आप लोग हमको प्यार देते रहिए और हमारा शो को बस अच्छी TRP देते रहिए थैंक यू Thank you.
जी क्या बोल रहे हैं हम बाइक ही नहीं है अमर और एक लक्ष्मा भी है लक्ष्मण लक्ष्मण और देखिए जो हमारे लक्ष्मण है उन्हीं को आने में सबसे ज्यादा टाइम लग रहा है शो की लक्ष्मी आ गए हैं और लक्ष्मण नहीं आए एज यूजुअल वो सेट पर भी हमेशा लेट आते हैं तो उनकी हम पोल खोल रहे हैं आज राइट हाँ हम सब टाइम पर सबसे लेट एक्चुअली एक क्लैप हो ही जाएगा इनके सर के लिए गैप और इनके लिए रोज क्लैप होती है जैसे ही आते हैं हम क्लैप अलाउड है मैं सीनियर हूं जब हम क्लैप नहीं करते वो खुद ही कर देते हां वो भी है अच्छा अभी शो की बात नहीं बहुत एक्साइटेड है बहुत ज्यादा एक्साइटेड है होपिंग दैट वी गेट सम नाइस अवार्ड्स यस आवर शो हमारी लक्ष्मी का डेब्यू है तो हम बिल्कुल चाहते हैं कि हम ढेर सारे अवार्ड्स लेके जाएं और हमारी प्यारी प्यारी लक्ष्मी भी ढेर सारे अवार्ड्स लेके जाएं यस वी हैव ऑल होप्स ऑन भाभी और आप लोग बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे हैं तो आप तो अपने कॉस्ट्यूम के बारे में थोड़ा अगर आप बता सकते मैम आप हम सब अपने लुक में आए हैं एक्चुअली हमारे स्टाइलिश कैरेक्टर हमारे सबके लुक के बारे में हम तृप्ति का नंबर आपको दे देते हैं उन्होंने जो जो हमें बोला पहन लो हमने पहन लिया और हम आ गए जरूर हां जी हमारे ऊपर कपड़े फेंक के चले जाते हम सब की शक्ल देख के चेहरे देख के आपको समझ आ रहा होगा कि हम सब कितने भाग्यलक्ष्मी को इतना सारा प्यार दे और भर भर के और हमने लक्ष्मी से और हमने लक्ष्मी से सीखा और दो और दो तो स्माइल कर रहा सब वो लग रहा है भर भर के हम सब बहुत प्रफुल्लित हो रहे हैं अंदर बहुत ज्यादा प्राणु जी की हिंदी आई थिंक अच्छा ही लगने वाला है एक तो हम लोग एक साथ हैं हमें टाइम नहीं मिलता कभी एक साथ पार्टी करने का वो अलग बात है आज हम कॉस्ट्यूम्स में हैं तो थोड़ा ऑड लगेगा पार्टी करने बट कोई बात नहीं कॉस्ट्यूम पार्टी यस थैंक यू आप बोलो ना नहीं नहीं आप बोलिए बहुत अच्छा जी रिश्ते अवार्ड है और हम सब एक साथ जितने कलाकार जितनी टीम है जितनी यूनिटी सब साथ मिल रहे हैं तो ये शाम हमारे लिए तो बहुत यादगार ही रहेगी कि एक साथ मिलना बहुत कम हो पाता है दूसरे एक्टरों से हम तो रोज़ मिल रहे हैं तो अच्छा लगेगा बहुत बहुत इन्जॉय करेंगे मैम सेट करते या आई थिंक मैम है नॉमिनेशन उनका है बेस्ट आई थिंक बेस्ट मदर अच्छा अगर तुम ना होते से है हाय आई एम गुड थैंक यू खुशी की बात है लोग पसंद कर रहे हैं और हम अपना उतना ही प्यार ऑडियंस को देना चाहेंगे एक्चुअली हम मेहनत कर ही रहे हैं इसलिए कि लोगों को पसंद आए शो अच्छा लगे और स्टोरी लाइन बहुत प्यारी है लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है स्टोरी लाइन तो ऑडियंस को मैं अपनी तरफ से थैंक यू हमारी टीम की तरफ से थैंक यू देखते रहिए आगे एपिसोड्स बहुत कमाल के आने वाले हैं चलिए थैंक यू सो मच